जय श्री कृष्ण। प्रिय दर्शकों, सत्य घटनाओं से बनी हुई सच्ची कहानियों की इस श्रृंखला में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। लौकिक जीवन का कोई भी सुख अलौकिक अनुभव के परमानंद की तुलना नहीं कर सकता। भारतवर्ष बड़ा ही पवित्र पावन देश है। यहाँ समय समय पर विलक्षण अनुभव को प्राप्त संत महात्माओं के दर्शन होते ही रहते हैं। इस वीडियो के द्वारा हम उच्च कोट की अनुभूति के स्तर को पहुँचे हुए महात्मा परम फक्कड़ एकदम विरक्त संग्रह परग्रह के नाम पर एक फूटी कौड़ी भी नहीं, अपने रहने के लिए कभी एक झोपड़ी तक नहीं बनाई, ऐसे परम पूजनीय एवं श्रद्धे श्री संपूर्णानंद जी महाराज के जीवन की कुछ विलक्षण घटनाएँ प्रकाशित करेंगे। प्रिय भाई बहनों, परम पूजनीय श्री संपूर्णानंद जी महाराज का प्रातः स्मरणीय भक्तमाल कथावाचक श्री राजेंद्र दास जी महाराज से बहुत प्रेम था, जिसके चलते उन्होंने अपने जीवन की कुछ विलक्षण घटनाएं उनको बताई थी। हम उन्हीं के बारे में आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। उन्होंने एक बार महाराज जी को एकांत में बताया था कि तीन प्रकार से भगवत संबंध सुदृढ़ होता है। परमात्मा सर्वत्र हैं, इसलिए उनके निकट जाने की आवश्यकता नहीं है। सर्वकाल में हैं, इसलिए समय की प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है। सर्वरूप हैं, इसलिए उनको पाने के लिए किसी साधन की आवश्यकता नहीं है। प्यारे भक्तों, इस वीडियो रिकॉर्डिंग से लगभग 80 वर्ष पूर्व महाराज जी वृंदावन में 8 वर्ष तक तटिया स्थान में रहे। उन्होंने परम पूज्य प्रातः स्मरणीय भक्तमाल कथावाचक श्री राजेंद्र दास जी महाराज को बताया कि जब वह वृंदावन में थे, तब नित्य प्रति श्री वृंदावन जी की दो परिक्रमा, तीन बार यमुना जी के जल में डूबकर स्नान और यमुना जी के जल में खड़े होकर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ और शेष समय नाम जप, यह उनका नित्य का नियम था। वृंदावन में रहते हुए ही उन्हें दो बार भगवान श्री कृष्ण के प्रत्यक्ष दर्शन और एक बार वृषभान नंदिनी श्री राधा रानी जी का प्रत्यक्ष दर्शन प्राप्त हुआ। प्यारे प्रभु प्रेमियों, हमारे अनुमान के अनुसार सन 2003 की ही यह घटना रही होगी, जिसे स्मरण कर हृदय गदगद हो जाता है। श्री राजेंद्र दास जी महाराज ने श्री संपूर्णानंद जी महाराज जी से परम पावन मलुक जयंती पर पधारने के लिए प्रार्थना की थी। तो 2003 की जो मलुक जयंती थी, उस पर श्री संपूर्णानंद जी महाराज को आना था, पर समय की गति बड़ी ही विचित्र है। वैसाख में जयंती आती है और चैत्र में 29 मार्च सन 2003 को महाराज जी का शरीर पूरा हो गया। जो कार्ड छपे थे उनमें उनका नाम भी अंकित और फोटो भी, जो पोस्टर छपे थे उनमें भी उनका फोटो छपा हुआ था। और उसी समयांतराल में पूज्य गुरुदेव श्री खाकचौक वाले महाराज जी का भी शरीर पूरा हो गया था। इस कारण से पूजनीय श्री राजेंद्र दास जी महाराज ने पूज्य गुरुदेव श्री भक्तमाली जी महाराज से विकल होकर कहा कि महाराज जी, अब उत्सव क्या मनावें, दो दो महान विभूतियों का तो वियोग हो गया है। श्री भक्तमाली जी महाराज ने कहा कि यहाँ तो जन्म भी उत्सव है और महाप्रयाण भी महोत्सव है, आप स्वयं अनुभव करो कि क्या उत्सव को छोटा करने से पहाड़ी बाबा संतुष्ट होंगे या श्री संपूर्णानंद जी महाराज संतुष्ट होंगे। अरे, वे तो प्रभु की सन्निधि में पहुँचे हैं, सुंदर उत्सव मनाना चाहिए। अब जिस दिन उत्सव होना था, उसी की सुबह को लगभग 3 बजे श्री राजेंद्र दास जी महाराज जी को स्वप्न हुआ कि एक दिव्य विमान मलुक पीठ के चौक में उतरा है और उसमें बैठकर श्री संपूर्णानंद जी महाराज आए हैं। उनके संपूर्ण शरीर से अलौकिक दिव्य प्रकाश निकल रहा है। नारायण 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 की ध्वनि हुई और श्री राजेंद्र दास जी महाराज ने उन्हें प्रणाम किया। तभी उन्होंने अपना हाथ महाराज जी के कंधे पर रख लिया और अपनी गुजराती भाषा में बोले, मजे माँ, तबीयत सारी छे। महाराज जी बोले, ठीक है, आपकी कृपा है। तभी वे महाराज जी से बोले कि देखो, तुमने हमारा फोटो छाप दिया, हमारा नाम अंकित करा दिया और हमने तुमसे कह दिया था कि विचार करेंगे आने का, इसलिए हम अपनी वाणी को सत्य करने के लिए यहाँ आए हैं। बढ़िया से उत्सव मनाओ और हमको सब जगह का दर्शन कराओ। तो कंधे पर हाथ रखकर उन्होंने सबसे पहले समाधि को प्रणाम किया, परिक्रमा की, ठाकुर जी को प्रणाम किया, रसोई घर गए, पंडाल में घूमे, सब जगह घूमकर बोले कि अब हमारा काम तो हो गया, अब हम जा रहे हैं। और उसी क्षण उस दिव्य विमान में बैठे और चले गए। अब महाराज जी को उस विमान को देखकर अपने मन में बड़ा विस्मय हो रहा था।
वे सोचने लगे कि कैसा विचित्र विमान है, इसमें न दीवारें हैं, न कोई चलाने वाला है, न इंजन है, न आवाज है, सिंहासन बना हुआ है, बड़ा सुंदर छत्र लगा है, अपने आप नीचे आया और अपने आप ऊपर उड़ के चला गया। स्वामी जी के पधारने की स्मृति उस समय महाराज जी के मन में नहीं थी। फिर उन्होंने इस घटना को अपने गुरु महाराज से वर्णन किया, तब उन्होंने बताया कि संत लोग तो सत्य के उपासक होते हैं, तुमसे उन्होंने कहा था, इसीलिए वह यहाँ आए थे। स्वामी जी महाराज जी से कहकर गए कि इस उत्सव का निरंतर प्रकाश बढ़ेगा, विस्तार होगा, और वैसा ही हुआ भी। धन्य हैं ऐसे उच्च कोटि के संत, हम सभी को उनकी चरण रज भी मिल जाए, वह भी हमारा परम सौभाग्य है, दंडवत प्रणाम है। प्रातः स्मरणीय श्रद्धे श्री संपूर्णानंद जी महाराज को एवं भक्तमाल का विस्तार करने वाले श्री राजेंद्र दासी महाराज को, जिनके श्री मुख से सुनकर हमें इस घटना का अनुभव हुआ। प्रिय भाई बहनों, स्वामी श्री संपूर्णानंद जी महाराज का भी कहना था कि कलयुग में लोगों को नाम से ही मुक्ति हो सकती है, इसलिए अपने आराध्य भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करते हुए प्रेम से बोलिए, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, या हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।